Why you got into it or opted for that? के अंदर खुद ही आगे गए, फिर आगे जाके हमें खुद ही समझ आया कि healthy activity है, we should continue this. Do you think this need to be promoted in the school? Physical fitness के लिए कुछ भी नहीं है schools में. How do you place yourself with the Indian, the Nepalese, Sri Lankans, Bangladeshis? जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनकी fitness को अगर आप compare करें, physically बहुत low है उनसे. गवर्नमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है. स्पोर्ट्स ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है. फिलहाल तो हमारे साथ तो कोई गवर्नमेंट प्ले नहीं करी. सेहत, एजुकेशन और बेसिक तरबियत, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि आपने लोगों को प्रोवाइड करे. लेकिन एट टाइम जब गवर्नमेंट की तवज्जो इतनी नहीं होती तो बेशुमार लोग अपने तौर पे इनिशिएटिव लेते हैं, जिसे कहा जाता है कि नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर में, डेवलपमेंटल सेक्टर में ये लोग काम करते हैं. हमारे यहाँ पे अगर हम देखें तो जहाँ पे हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उस पर कोई ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल साइड दोनों पे कम नज़र आता है. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम नज़र डालते हैं तो चंद एक शख्सियात बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी के तौर पर इमर्ज होती हैं, और उनमें से एक हमारे बहुत मोहतरम दोस्त वसीमताई साहब हैं. उन्होंने मार्शल आर्ट्स में बहुत बड़ा नाम खुद पैदा किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो बहुत बड़ा काम किया वो कौम की खिदमत ये थी कि उन्होंने अपना आर्ट, स्किल और ये सारा तरबियत का मामला पूरे पाकिस्तान में फैलाया. उनके काफ़ी सारे सेंटर हैं, कमर्शियल भी हैं, नॉन कमर्शियल भी हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए उनकी टीम कौन बनी? उनके साहबजादे. हमारी खुशकिस्मती है कि टुडे आई हैव गॉट टू ऑफ हिज सन्स एज माय गेस्ट. वासिब हैं. वासिब, थैंक यू वेरी मच. और वासिल, आपका भी बहुत शुक्रिया. मुझे ये बताएं कि ये तो घर में आप तमाम लोग कराटे जो है वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग आप सीख रहे हैं. आप दोनों ब्लैक बेल्ट हैं? जी बिल्कुल, माशाल्लाह. और बाकी बहन भाई जो हैं? जी, वो भी ब्लैक बेल्ट हैं. जबरदस्त. मुझे ये बताएं कि कैसा लगा? ये जरूरी तो नहीं कि अगर आपके वालिद साहब जो थे वो मार्शल आर्ट में थे तो आप लोग भी इसी तरह आते. व्हाई यू गॉट इनटू इट और ऑप्टेड फॉर दैट? एक्चुअली हमारे पास जो है ऑप्शन हमारे पास बहुत सारी थी, अवेलेबिलिटी थी हर चीज की. बाबा ने हमें फोर्स नहीं किया इस चीज में. फिर हम लोग इसके अंदर खुद ही आगे गए, फिर आगे जाके हमें खुद ही समझ आई कि हेल्दी एक्टिविटी है, वी शुड कंटिन्यू दिस. राइट. हाँ जी, तो हम लोगों ने इसी को ऑप्ट किया पे खुद ही. सारे बहन भाई कर रहे थे, आपको क्या जरूरत थी? आप कुछ और सीख लेते, क्रिकेट खेल लेते, व्हाई मार्शल आर्ट फॉर दैट मैटर? सबसे मोस्ट बेनिफिशियल यही था, जिससे आपकी फिटनेस भी रहती है, आप वैसे भी लर्निंग भी आपकी रहती है, और आपकी इससे कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत हो जाती है, डिसिप्लिन आ जाता है आपके अंदर. अच्छा, मुझे ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हैं, बजाते खुद स्टूडेंट हैं. कैरेक्टर बिल्डिंग की जब बात की आपने तो बेशुमार स्पोर्ट्स ऐसी, बल्कि हर स्पोर्ट्स के अंदर आपको डिसिप्लिन और कैरेक्टर बिल्डिंग जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मार्शल आर्ट जो है ये किस तरीके से आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा करते हैं? बिकॉज मैं ये चाहूँगा कि बाहर के ममालिक में अगर आप जाएँ, अगर आपको जापान जाने का इतफाक हो, इवन वेस्टर्न कंट्रीज जो है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर डिसिप्लिन लाने के लिए मार्शल आर्ट्स पे बहुत फोकस है जो हमारे यहाँ पे नहीं है. तो हाउ डस दिस ब्रिंग दैट डिसिप्लिन इन योर पर्सनैलिटी? इसमें आपको बताया जाता है कि बड़े छोटे की तमीज़ होती है, ठीक है, सीनियर जूनियर के आपस में जो डिफरेंस होता है वो आपको पता चलता है कि आपने अगर कोई सीनियर आया है तो उसके सामने कैसे खड़ा होना है, कोई बड़ा है तो उससे कैसे बात करनी है, परमिशंस होते, रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस. जैसे हर अगर आप रूल्स ना फॉलो करें तो बिल्कुल एक चीज़ जो है वो ऐसे ही है कि आप गाड़ी चलाते हुए रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप रूल्स ब्रेक कर रहे हो. आप यू नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड ड्राइवर. राइट. ठीक है, तो आप इसमें आपको रूल्स सिखाए जाते हैं, रूल्स बताए जाते हैं, आप लर्निंग होती है आपकी, इसी तरह कैरेक्टर बिल्डिंग होती है आपकी. जब आपको एक चीज़ का पता, बड़े छोटे की तमीज़ का पता है आपको, एंड वैसे भी आपकी लाइक एवरीथिंग, इट हेल्प्स इन एवरीथिंग. ठीक है, बस मुझे ये बताएं कि अब आप इसको पूरे कमर्शली चीज़ों को देख रहे हो, हमारे यहाँ पे आप लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है, लोग चाहते हैं कि दे आर मोर हेल्थ कॉन्शियस, एक्चुअली फिटनेस कॉन्शियस फॉर दैट मैटर एक्चुअली. लेकिन आपका कंपटीशन जो है वो बाकी लोगों से है, जहाँ पे बड़े मॉडर्न और ट्रेंडी किस्म के जिम हैं और फैंसी किस्म के जिम हैं, और दूसरी तरफ आप ये बताना चाह रहे हो कि योर बॉडी इट्सेल्फ, उसके अंदर जो आपके अल्लाह ताला ने आपको जो चीज़ें दी हैं उनको यूटिलाइज करके यू कैन मेक योरसेल्फ अ बेटर पर्सन. How tough it is to compete with these mechanical things and the you being a very natural for that matter. But gym एक अलग चीज़ है. जी जी. हमारा जो art है वो एक अलग चीज़ है. But हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पास जो हमारे बाजू है, हमारी टांगें, ये weapons हैं. ठीक है. ठीक है ना, हमें इन्हें इस्तेमाल करना आना चाहिए basically. तो gymming is about just lifting weight and keeping yourself fit. उसके अंदर injuries भी, but इसके अंदर ये होता है कि आप you get to learn the art.
एंड आर्ट, ठीक है ना। इसके अंदर होता है कि आप फिटनेस के साथ साथ अपनी बॉडी वेट के साथ साथ ही आप जो है वो अपने इस आर्ट से जो है वो आप मतलब ये कहने जैसे हम लोग डिफरेंट स्टाइल सीखते हैं बिलफर्स मार्शल आर्ट्स के अंदर काफी सारे स्टाइल्स आ जाते हैं। जैसे हम लोग कराटे सिखाते हैं, हम लोग जुजित्सु ट्रेनिंग कराते हैं, हम लोग बॉक्सिंग ट्रेनिंग कराते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, अब आपको नहीं पता कि आपके बाजू क्या क्या कर सकते हैं, राइट, ठीक है ना। तो जिस तरह अगर बॉक्सिंग सीखते हैं तो आप सिर्फ अपने बाजू से ही किसी बंदे को जो है वो उड़ा के गिरा सकते हैं, ठीक है। मतलब जिस तरह आपने कोई बंदा है आपके साथ कोई स्ट्रीट फाइट हो गया कुछ, तो आपको पता होना चाहिए आपके बाजू कैसे इस्तेमाल होते हैं। कराटे के अंदर गेट टू नो हाउ योर लेग्स वर्क, ठीक है ना, आपकी किक्स वगैरह किकिंग की उसके अंदर सारी जितनी भी मूव्स होती हैं वो आ जाती हैं। इसके अलावा वेपन ट्रेनिंग्स हो जाती हैं, उसके अलावा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो ये कि मेरा ख्याल है कि ये ऑल टुगेदर अनदर आर्ट। ये क्यों कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमने अगर सेल्फ डिफेंस के लिए है या लड़ाई करनी है तो तभी हमने कराटे सीखने है? कराटे आपकी जो आपकी बॉडी का जो डिसिप्लिन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अदरवाइज डू यू एग्री टू दिस थिंग कि हमें इसको ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है टू लर्न दिस एज मोर लाइक एन एक्सरसाइज काइंड ऑफ थिंग आल्सो? एक्सरसाइज तो सेल्फ कंट्रोल आ जाता है बेसिकली, ठीक है ना। देखें आप इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कराटे सीख रहे हो तो सारा टाइम लड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसके अंदर आपके अंदर ज्यादा कंट्रोल होता है कि आप कहते हो कि नहीं यार मेरे अंदर तो आर्ट है, उसके पास तो कुछ नहीं है, मैं तो उसको एक मिनट में जो है वो गिरा सकता हूँ, राइट। तो आप क्या कहते हैं, आप उसे डिस्टेंस रखते हैं और आप उससे लड़ते नहीं है, आप प्रेफर यही करते हैं कि नहीं मैं ना लड़ूं, मैं साइड ही रखूं इस चीज से। तो ये मेरे ख्याल सेल्फ कंट्रोल ले आता है, सेल्फ डिसिप्लिन इसी का नाम है। बिल्कुल, टेरर शरर है आपका स्कूल में कि यार मैं ब्लैक बेल्ट हूं, वो डरते शरते हूं कि यार बचो इससे? बिल्कुल बिल्कुल, लोग दोस्ती भी कर लेते हैं कि यार कभी कोई लड़ाई हुई तो वासल है ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं, ऐसा बहुत होता है। अच्छा, पॉपुलर गाय है। हाँ जी, मुझे ये बताओ कि स्कूल्स के अंदर जहाँ पे हमारे एक टाइम था कि ग्राउंड्स हुआ करती थी, हम हर स्कूल जो था उसके लिए मैंडेटरी होता था कि आपके पास फुटबॉल प्लेइंग फील्ड हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, एलिमिनेट हो गया। स्कूल और कॉलेजेस अब बिल्डिंग्स में आना शुरू हो गए जहाँ पे आपका फिजिकल साइड एलिमिनेट होती जा रही है। आई बिलीव के मार्शल आर्ट एक ऐसी चीज है जो कि बिल्डिंग के अंदर रहते हुए भी परहैप्स बच्चे कर सकते हैं। बिल्कुल, डू यू थिंक दिस नीड टू बी प्रमोटेड इन द स्कूल? यस फॉर श्योर, इसको प्रमोट करने के ग्राउंड्स वगैरह तो खत्म हो गए हैं। पढ़ाई इतनी ज्यादा उन्होंने इंक्रीज कर दी हुई है और मतलब इतना प्रेशराइज कर दिया हुआ है कि कॉम्पिटिशन शुरू हो गया है कि कौन ऊपर जाएगा, तो फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ भी नहीं है स्कूल्स में। लेकिन मार्शल आर्ट जो कराटे है इसको आप इंडोर स्कूल्स में ऑडिटोरियम्स बन गए हैं, ऑडिटोरियम्स हैं स्पोर्ट्स के लिए, क्लासेस इंडोर क्लासेस हैं जो आप इंडोर स्पोर्ट्स कर सकते हैं इसमें, तो उसमें मार्शल आर्ट हो सकता है, कराटे आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। आप उसमें आप जो आपकी कराटे में चीज़ें आती हैं, किक्स आती हैं, जो सेल्फ डिफेंस आता है, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक ठीक है, बिल्कुल ठीक। खवातीन आ रही हैं आपके पास? बिल्कुल आ रही हैं, बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत, मैं तो इससे मैं तो खुद ही कहता हूँ कि लड़कियों को तो ये आर्ट सीखना चाहिए हम लोग के, बल्कि आजकल जो ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं लड़कियों की, स्पेशल सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर हम लोग स्पेशली लड़कियों को सिखाते हैं कि आजकल जिस तरह से दे कैन बी मोर स्मार्टर और सेल्फ डिफेंस में, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा ये लड़के शर्ट काम, बिल्कुल जी, स्ट्रीट वायलेंस होती है आपके समझे फैमिली के अंदर, जिस तरह घर के अंदर भी। पता चला कभी आपके किसी स्टूडेंट ने किसी का कोई नाकशक तोड़ दिया हो? जी बिल्कुल, ऐसे तो काफी वाकयात आते रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमारी लड़कियां जितनी भी करती है माशाल्लाह उनको इतना कॉन्फिडेंट बना देते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल जी। ऐसे में ना वो एक लड़की अपनी लड़कियों में सुपीरियर हो जाती है। अब देखें, अब लड़के तो जिस तरह बड़े होते हैं कहीं ना कहीं से जान वान आई जाती है हमारी, अब लड़कियां भी जो आपस में होती है ना उसमें एक लड़की जब एक यूनिक आर्ट सीख रही होती है तो उसके अंदर शी सुपीरियर टू ऑल द ऑर्डिनरी गर्ल्स अराउंड हर। कितना टाइम चाहिए एक लड़की को टू बी फिजिकली गुड एक्चुअली, कि जहां पे वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके, अपने कॉन्फिडेंस के साथ वो लेके चले अपने आप को? आई मीन कपल ऑफ मंथ्स, कपल ऑफ मंथ्स में ये नहीं कहूँगा कि बहुत, आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप जितना इस चीज़ को रेगुलरली करते हैं, जितना रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो ये चीज़ उतनी जल्दी बनती है, ठीक है ना। एक्सरसाइज से आपको यू गेट एडिक्टेड टू एक्सरसाइज, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़े टाइम के बाद आप इसको एंजॉय करना शुरू कर देते हो, योर बॉडी डिमांड्स क्या? बिल्कुल 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 ऐसे ही है जी। मैं तो यही कहता हूँ कि जब आप असल में ना स्टार्ट करनी होती है किसी चीज़ को, ठीक है ना, अब एक आप स्टार्ट अच्छा देते हो आपको शुरू में वो चीज़ अचीवेबल नहीं लगती है, जस्ट बहुत दूर रखती है वो आपको चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हैं टारगेट पर। मैं ये कहता हूँ कि आप एक दफ़ा ट्रैक पर चढ़ें, आप एक दफ़ा रेगुलर बेस पर आके अपनी एक्सरसाइज करते रहें, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप पे छोड़ नहीं सकते हैं, एडिक्शन हो जाती है। वासिल मुझे ये बताएं, आप पे पाकिस्तान से बाहर भी किसी जगह पे कम्पीट किया? जी जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली सितंबर में हम वर्ल्ड चैंपियनशिप पे गए थे, हाँ। वहाँ भी कम्पीट किया, साउथ एशियन चैंपियनशिप 2016 में खेली किक बॉक्सिंग की, ठीक है, एंड एशियन लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला है, एशियन लेवल पे भी खेला है, तो एक इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, हमारा अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और इंटरेक्शंस होती हैं। हाउ डू यू रेट योरसेल्फ विद द इंटरनेशनल कंपेटिटर्स, खासतौर पे जो साउथ एशिया के हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज है, अगर हम उनको देखें, बिकॉज हमारी एक पिक्यूलियर इन्वायरमेंट है, एक फिजीक हमारी जो है उसका एक स्ट्रक्चर जरा शायद उतनी हमें न्यूट्रिशन इन्वायरमेंट ये सारी एक कॉम्बिनेशन बनता है।
How do you place yourself with the Indian, the Nepalese, Sri Lankans, Bangladeshis? अगर मैं अपने आप को रेट करूं तो हम लोग क्योंकि ये शुरू से कर रहे हैं जब छोटे से थे तब से कर रहे हैं तो आप के लेवल साल के थे जब वसीम भाई ने आपको सिखाना शुरू किया आप यू स्टार्टेड वेरी यंग एक्चुअली मेरा नहीं ख्याल कि आपसे पहले किसी ने फॉर दैट मैटर इतने अर्ली शुरू किया हो बिल्कुल बिल्कुल और फिर जहां हम आते हैं जो पाकिस्तान ओवरऑल जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी फिटनेस को अगर आप कंपेयर करें जो साउथ एशियन जो साथ हमारे कंट्रीज हैं एशियन कंट्रीज उनसे तो हम फिजिकली बहुत लो हैं उनसे अच्छा हाँ जी बहुत काफ़ी लो हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती इन चीज़ों को क्या मुझे न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल हमें हम सब खाना खाते हैं लेकिन अगर उस खाने के अंदर डिसिप्लिन पैदा कर लिया जाए बताया जाए तो वी कैन बी अ हेल्दी नेशन फॉर दैट मैटर ये वजह है कि हम स्पोर्ट्स में एक्सेल नहीं कर रहे असल में बात ये कि यहाँ पर ना सोचते हैं कि अगर आप प्योर डाइट लेने की सोचते हैं देखिए प्योर डाइट हमारे यहाँ पर तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है ठीक है ना लेकिन हम लोग देखें तो सही कि हम लोग और कितनी तरफ जा रहे हैं हम लोग कितनी ज़्यादा हम लोग डाइट में हमारी खराबी आ गई जंक फूड्स खा रहे हैं हम लोग फास्ट फूड्स खा रहे हो उधर हम लोग कितनी ज़्यादा ज़ाया कर रहे हैं अपनी हेल्थ को उससे बेहतर ये है कि आप अपनी डाइट जो है वो प्योर करें और उससे क्या होता है कि आपकी जो जितनी भी आपकी बोन्स हैं आपके मसल्स हैं वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको अच्छी डाइट मिलती है उसके जो मसल्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर असल में यही हो रहा है जो आप जिस तरह बात कर रहे थे वेस्टर्न ममालिक की बात कर रहे हैं आप जिस तरह से हमारे जो साथ साथ के जितने भी नेबरहुड्स हमारे जितने भी हैं वो सारे इसी चीज़ का ख्याल रखते हैं अपने बच्चों को शुरू से ही वो प्योर डाइट पर रखते हैं ओरिजिनल चीज़ों पर रखते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे बड़े होते हैं जैसे तो उनके मेंटली तौर पर भी बहुत स्टेबल होते हैं अब हमारे बच्चे जब मैं लर्न कराता हूँ मतलब बच्चे हमारे जब लर्न कर रहे होते हैं मैं उन्हें कोच करा होता हूँ तो उनकी जो लर्निंग स्पीड है वो बहुत स्लो है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू द पीपल आउटसाइड पाकिस्तान लाइक अब्रॉड वेस्टर्न पीपल के साथ हम लोग कंपेयर करें जिस तरह हम लोग कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे वेरी स्मार्ट दे वेरी मेच्योर बट हमारे बच्चे उसी जगह पे बहुत मोटे सुस्त हैं मोटे हैं इसके अंदर मैं पेरेंट्स से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने बच्चों को अपने बच्चों को प्लीज़ आप एक तो एक्टिविटी में रेगुलर इंडल्ज करें ठीक है दूसरी चीज़ उनको ज़रूर आप रेगुलरली खुद भी आप लोग पार्क में जाके वॉक करें जॉग करें अपने बच्चों को भी साथ साथ अपने जो है उनको प्लेग्राउंड्स में लेकर जाएं उनको जरा खिलाएं खिलाएं बिल्कुल वासिब मुझे आप ये बताएं जब आप बाहर जाते हैं आप भी जाते हैं वासिब आप भी जाते हैं जो आपके बाबा की रिस्पेक्ट है इज्जत है मैंने देखा है कि उनको गुरु के तौर पर माना जाता है और उस तरीके से रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में लोग उनकी इस तरह से इज्जत करते हैं टेल अस बिट अबाउट दैट आल्सो जब मतलब हमें खुद बहुत अच्छा फील होता है इस ये चीज़ हमें खुद बहुत अच्छी फील होती है इंडियंस जो हैं जैसे हमारे इंडियंस पाकिस्तान आपको बताया आपस में रिलेशंस पॉलिटिकली बहुत बुरे हैं लेकिन वैसे जब मेरे हमारे फादर बाहर जाते हैं तो बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है बहुत ज़्यादा हर बंदा रिस्पेक्ट करता है उनकी ठीक है रिसेंटली उनको इसी साल 2019 में फादर ऑफ योगा का अवार्ड मिला ओह रियली अच्छा दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट फ्रॉम योगा फेडरेशन वर्ल्ड योगा अच्छा वो योगा भी करवाते हैं बिल्कुल आप लोग भी करते हैं योगा अच्छा गुड गुड हम योगा भी करवाते हैं और मतलब योगा इज लाइक बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है सबके लिए एजेड है कोई नहीं भी एजेड यंग है उनके लिए भी तो फादर ऑफ योगा का उनको अवार्ड मिला और उनको बेस्ट जज का अवार्ड भी मिला है अभी रिसेंटली बेस्ट जज का उनको उनको और बहुत बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है पास मुझे ये बताएं गवर्नमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है मुझे जानना है कि एक तरफ स्पोर्ट्स ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है बहुत आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए फॉर एग्जांपल अगर आपने क्रिकेट ही खेलनी है तो आपको ग्राउंड चाहिए आपको इक्विपमेंट चाहिए आपको आज के दौर में यू नीड लॉट ऑफ मनी फॉर दैट एक्चुअली बिल्कुल योगा कराटे मार्शल आर्ट्स ये वो चीज़ें जिसमें आपको कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल यू जस्ट नीड टू बी फिजिकली देयर अगर एक योगा इंस्ट्रक्टर किसी स्कूल या कॉलेज में या कराटे इंस्ट्रक्टर डिप्यूट कर दिया जाए या ट्रेन कर दिया जाए जो आपके करंट है डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प ओवरऑल फॉर द वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट यंगर जनरेशन इन पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट नीड टू प्ले अ रोल जी गवर्नमेंट शुड प्ले अ रोल इन दिस बिकॉज़ अभी फिलहाल तो हमारे साथ तो कोई गवर्नमेंट प्ले नहीं कर रही इस टाइम आप देखें सारी जितनी भी गवर्नमेंट वैसे प्ले कर रही है लेकिन नहीं नहीं वैसे भी क्या स्पोर्ट्स फेडरेशन का आप हाल देख लेना इस टाइम पर जो आप अभी देख लें आप अगर में ये था कि वैसे हम आवाम के साथ खेल रही है बिल्कुल ऐसे ही है
बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही करें, क्योंकि असल में देखें अभी आप देखें जितनी भी स्पोर्ट्स फेडरेशंस आप देख लें, आप बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान देख लें, आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, आपने कभी नहीं सुना होगा कि उसको कौन मैनेज कर रहा है, कौन है ऊपर हमारी। जब आप देखें जब हमारी जो नेशनल स्पोर्ट्स है उसी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, आपको मैं बताऊँ इधर ऑस्ट्रेलिया पे खेलने नहीं देते हैं वो लोग सारे हमारे हॉकी प्लेयर्स को, वो इंटरनेशनल लेवल पे जीरो हो गए हैं, कोई फुटबॉल का कोई हिसाब नहीं है, तो हम लोग तो बहुत दूर हैं इस टाइम पे। तो रोल मॉडल्स, रोल मॉडल जिस तरह आपके वाल साहब थे, रोल मॉडल्स डेवलप हो रहे हैं, कोई मॉडल शॉट पकड़े उसको कराटे शॉट खिलाएं लोग देखें कोई। असल में पता क्या बात है यहाँ पर, असल में जितने भी यहाँ पर लोग हैं ना वो प्रेफर करते हैं कि बाहर के लोग आए वहाँ पर उनसे सिखाएं यहाँ पर कुछ, वो हमारे जितने भी हम लोग यहाँ working here for a long time. अब जिस तरह से इधर कोई अगर फिल्म इंडस्ट्री कोई मूवी बनाती है इस तरह से, तो उनको ये प्रेफर करना चाहिए कि नहीं यार हमारे जितने भी यहाँ के लोग हैं लोकल पीपल लाइक वी आर, ठीक है ना, हम लोगों को वो प्रमोट करें, हमसे वो स्टंट्स सीख सकते हैं, करा सकते हैं, हम लोगों से प्रैक्टिस करा सकते हैं उस चीज को क्या। लेकिन नहीं, वो क्या करते हैं कि वो बाहर से लोग बुलाते हैं अपने, ठीक है, उनसे वो सीखते हैं कराटे करूटे और उनको फिर उनको वहां पर आके वो स्टंट्स करते हैं अपने फिल्म्स वगैरह के अंदर, राइट। तो उसकी वजह से जो है ना वो उनकी असल में खुद ही मेंटालिटी इस तरह की हो गई हुई है कि वो शायद यही सोचते हैं कि बाहर ही सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ वैसे क्या डेवलपमेंट होनी है। आप अपने स्कूल में कोई कैंप शैंप लगाएं, कोई बताएं लोगों को कि दिस समथिंग विच कैन बी डन, कोई कॉम्पिटिशन करवाएं, कोई प्रपोजल दी आपने ऐसी? हाँ जी जी बिल्कुल दी है, बॉक्सिंग की भी दी है, कराटे की भी दी है। तो होता है कई बार ऐसे समर में कैंप लगता है तो हमारे स्कूल वाले जो हैं वो कैंप लगा लेते हैं, तो बच्चे मोस्टली आते हैं, बड़े जो हैं वो बड़े वो बाकी वो इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, वो फिर वो कहते हैं मतलब हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है बेसिकली मार्शल आर्ट की कराटे की, तो पेरेंट्स विलिंग होते हैं अपने बच्चों को भेजते हैं, उनको पता चलता है क्या क्या फ़ायदा होता है इससे कराटे का, तो समय में कैंप लगता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये हमारा यूथ है और हमने देखा कितना एंथुजियाज्म है, कितनी इनके अंदर डिटर्मिनेशन है टू डिलीवर, बिकॉज इन्होंने एक चीज़ इनहेरिट की उस एनवायरनमेंट में ये रहे, और आज जब हम इनकी वेलबींग देखते हैं कि ये फिजिकली अपने आप को कितना अच्छा तरीके से रखते हैं, एंड नॉट ओनली द डिसिप्लिन एंड द लॉरल्स दे विन फॉर द फैमिली एंड द कंट्री, दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। आई बिलीव दिस इज़ वन एरिया जहाँ पे जो हमारे नॉन गवर्नमेंटल साइड पे लोग काम करने वाले हैं, जो बाहर के डोनर्स एट टाइम काम करते हैं हेल्थ पे, मैं हैरान होता हूँ उनको इतने पोटेंशियल और पोटेंट एरियाज क्यों नजर नहीं आते, जहाँ पे विद अ वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट लॉट कैन बी डन, एंड दिस इज द हाई टाइम वी नीड टू प्रमोट दिस काइंड ऑफ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, बिकॉज इससे आपकी हेल्थ बेहतर होगी, आपका ओवरऑल सोसाइटी का एक कल्चर जो है वो बेहतर होगा, और हम बेहतर लोग आने वाले टाइम में पैदा कर सकेंगे और जो पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। दिस इज हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू थिंक अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। थैंक यू।